अपने बाबा की तरह वफादार रहोगे ना? आगे ये तिलिस्मी छड़ी एक नायाब शस्त्र है। 11 महीने के कठिन परिश्रम और मेरे इतने सालों का तजुर्बा ये इसका फल है। हिम्बाश्लोक की रक्षा करने के लिए यह शस्त्र आपकी मदद करेगा। रेवाल, शस्त्र तो आकर्षक है पर कितना घातक है ये तो चलाने के बाद ही पता चलेगा। हाँ गिल, आप इसे बेझिझक चला सकती हो। मैं अपने बेटे विवाल की कसम खाकर कहता हूं ये शस्त्र अचूक है। आप इस हथियार से जिस पर भी वार करोगे वो वही के वही ढेर हो जाएगा। जिस पर भी? हाँ गिल, तब तो इसे परख कर देखना पड़ेगा। बिल्कुल। अब तुम इतना कह ही रहे हो तो सच कहा था तुमने, ये शस्त्र अद्भुत है। आगे क्यों किया तुमने बाबा के साथ ऐसा? बाबा! विवान, रो मत। तुम्हारे पिता एक अनुभवी कारीगर थे बाबा, और मैं नहीं चाहती थी कि वो ऐसा शस्त्र किसी और के लिए बनाए। मैंने सही किया ना विवान? नहीं आगे, आपने सही नहीं किया, आपने मेरे बाबा को मार दिया। तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है विवान? अपने बाबा की तरह वफादार रहोगे ना? ये हर बात पर गर्दन क्या हिला रहे हो? खुल के बोलो। मैं हमेशा आपका वफादार रहूंगा। विवान, क्या तुम भी अपने बाबा की तरह तिलस्मी शस्त्र बनाना जानते हो? जी नहीं आगे, बाबा ने बस सिखाने की शुरुआत ही की थी, मुझे सच में ऐसा कोई शस्त्र बनाना नहीं आता। जानती हो, तेरी आंखों में आंसू और दिल में दहशत है, ऐसे में सच ही निकलता है। आगिल, मैं तेरी ताकत के आगे झुका जरूर हूं, लेकिन अपने पिता की मौत का बदला नहीं बोला। इतने साल मेहनत करके तिलिस्मी शस्त्र बनाने का हुनर सीख लिया है मैंने, अपने पिता की मौत का बदला तो मैं तुझसे लेकर ही रहूंगा। आगे बदला मैं जरूर लूंगी, लेकिन आगिल से, पूरे हिम्बाश्लोक से नहीं। काशवी और मैं दोनों आगिल से बदला लेना चाहते हैं। अगर हम दोनों मिल जाएं, तो आगिल को खत्म कर सकते हैं। मुझे काशवी से मिलना होगा। पापा जी, मुझे क्या पता वीर कहाँ है, मैं तो खुद आपसे पूछने वाली थी। अरे मैं सवेरे से ढूंढ रहा हूँ वीर को, पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे अपनी दवा मंगानी थी बहू। दादाजी, वीर ने मुझे कल रात को ही बताया था कि वो पुणे जा रहा है। मेरी पूरी बात हो गई थी उससे, उसने बताया कि वो आज रात को ना लेट हो जाएगा आते आते, तो आप अपनी दवाई मुझे बता दीजिए, मैं लेकर आती हूँ। ये वीर भी ना, कुछ बताया कि किससे मिलने जा रहा है? चलो अब मैं भी अपना होमवर्क पूरा करता हूँ। बालवीर की एक और करीबी जान से जाएगी आज। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। अच्छा अब तुम नाश्ते में क्या लोगी? कुछ नहीं, सिर्फ एकांत चाहिए।
बहू, हम लोगों ने तो नाश्ते में कभी कुछ ऐसा नहीं लिया। परम बेटा, वो हम लोग समझे नहीं तुम क्या कहना चाहते हो। तुम्हें सरल हिंदी समझ में नहीं आती, लगता है सटिया गए हो। परम, कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब तुम सब सो जाओगे गहरी नींद में। क्या? तुम नहीं, काशवीर। देखो ना, बालवीर कुछ काम का नहीं है। तुमने देखा ना, ना वो अपनी माँ को बचा पाया, ना अपने गुरु को, और ना अब तुम्हें बचा पाएगा। तुम तैयार हो ना? तो फिर क्या सोचा है तुमने? सोचना क्या, चिल्लाक और वामेर के आने से पहले इन दोनों लाशों को यहाँ से गायब कर देंगे और उनके प्रतिबिंब यहाँ छोड़ देंगे, और किसी को शक भी नहीं होगा कि दोनों लाशें गायब हैं। तो शुभ काम में देरी कैसी, मैं दरवाजे पर नजर रखता हूँ, गायब कर दो इन दोनों को। सुषमा, ये कैसा सायरन बज रहा है? लगता है बालवीर ने बेनाम और उत्तान की लाशों पे अदृश्य कवच लगा रखा है ताकि कोई इनकी लाशें यहाँ से चुरा के ना ले जाए। बहुत अच्छी चाल चली है इस बालवीर ने। और तुमने कच्ची चाल चली है सुषमा। तिल्लाक और वामीर सिपाही को लेकर किसी भी वक्त यहाँ आते होंगे। चलो भाग लेते हैं यहाँ से, वरना हमारी लाश भी ऐसी लटकेगी। चलो चलो। आज तो मारे थे। मेहमान हो बात तुम? और ये सायरन कैसे बजा? सायरन? हाँ, ये सायरन कैसे बज रहा हमें भी नहीं पता। सायरन बजा मतलब महामहिम और बेनाम की बॉडीज को मैजिकली चुराने की कोशिश की गई थी। ये तुमने तो नहीं किया? कहाँ ले जा रहे थे महामहिम और बेनाम की बॉडीज को? तैयार हो ना? तैयार? किस चीज के लिए? मरने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हें मारूंगा और फिर मेरी बलि द्वार की विधि पूरी होगी, और फिर ना बालवीर बचेगा ना ये धरती लोक। बालवीर के होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। अभी होगा, क्योंकि बालवीर तो यहाँ है ही नहीं, और अगर तुम्हारे पुकारने से बालवीर यहाँ आता है तो पुकारो उसे, चिल्लाओ जैसे धरती लोक के मनुष्य चिल्ला चिल्ला कर उसे बुलाते हैं, बालवीर बचाओ मुझे, प्लीज बालवीर बचाओ, चिल्लाओ। चिल्लाना क्यों जब मैं ही बालवीर हूं? बचाना काम है। बालवीर नाम है। मुझे जल्द से जल्द अपनी शक्तियां रिचार्ज करनी होगी। भांजी, लगता है हम गलत जगह पर आए, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। ये कौन है?
दूसरे ब्रह्मांड से आया हुआ खतरनाक दुश्मन होने से रहा? क्या नाम है उसका? परम, मैं ही हूं। अच्छा, नाम भी परम है, है? जानकर बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ लड़के, तुम हट जाओ। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जिसने पिछले सभी बालवीरों को मार दिया है, और अब इस आखिरी बालवीर को मारने धरती लोक पर आया है। मैं वही हूँ। तुमने कभी जीवन में मक्खी भी मारी है लड़के? उनचास बालवीरों को मारकर मैंने उनकी सारी शक्तियां इस हार में कैद कर ली है। तो क्या तुम्हारी इस माला में बालवीरों की आत्माएं हैं? हाँ, और ये आखिरी जगह उस आखिरी 50वें बालवीर के लिए है। तब तो तुम्हारा और मेरा मकसद एक है परम, बालवीर की मौत। और इसलिए मैंने तुम्हें सिग्नल्स भेजे थे मिलने के लिए, और जब तुमने मेरे सिग्नल्स का जवाब दिया, मैं समझ गई कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। कहो, क्या मदद कर सकती हूँ तुम्हारी? मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है तुम्हें? तो दो अंदाजा। अगर तुम चाहो तो इस कबाड़ खाने की जगह हम मेरे हिम्बाश लोग जाकर आगे का प्लान बना सकते हैं। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। तुम्हारा हिम्बाश लोग किसी में कोई दिलचस्पी नहीं है मेरी। हाँ जी, इसने तुमसे तुम्हारी शक्तियों की प्रदर्शनी मांगी, हिम्बाश आने से मना कर दिया। एक के बाद बेइज्जती किया जा रहा ये लड़का तुम्हारी। मैं तुम्हें अपनी शक्तियों का सबूत देना जरूरी नहीं समझती। और तुम्हारा जरूरी समझना मेरे लिए जरूरी नहीं, और ना मैं इसका इंतजार करूंगा। मैं खुद ही जांच कर लूंगा। नहीं। क्या नहीं? तुम मेरे किसी काम की नहीं। लड़के, तू जानता है तू क्या कह रहा है? क्या मतलब है तेरा? मुझे लगा था तुम्हारी शक्तियां मेरे काम की होगी, लेकिन मेरे प्रमेय के अनुसार जो आंकलन बना है उसमें तुम्हारी शक्तियां काफी नहीं। हां जी, इसने तुम्हारी बेइज्जती की। लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भांजी से बात करने की? उड़ाना नहीं, उड़ाना नहीं। ऐसा मैं नहीं भांजी सोच रही थी, है ना भांजी? कौन क्या सोचता है उससे सच नहीं बदल जाता। तुम्हारी शक्तियां मेरे किसी काम की नहीं है, यही सच है। अब तुम जाओ यहां से। तुमने मेरा प्रस्ताव ठुकराया, मेरी शक्तियों की बेइज्जती की। लो, अब करो अपने समय अनुसार आंकलन, तुम्हारी गिनती कम पड़ जाएगी मेरी शक्तियों के आगे। ये वही शक्तियां हैं जिनसे मैंने महाजादू बनाया था बालवीर को मारने के लिए। और फिर मार दिया बालवीर को। नहीं ना, अरे इसने तो भांजी की शक्तियां ही कम कर दी। डूब गई लुटिया। ये क्या किया तुमने? तुम समझ नहीं रही थी कि तुम्हारी शक्तियां मेरे किसी काम की नहीं, और जो चीज मेरे काम की नहीं मैं उसे मिटा देता हूं।
परम और रागिल की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वो दोनों यही मौजूद थे, लेकिन इतनी जल्दी गायब भी हो गए। हाँ माँ, पता नहीं अभी वो लोग कहाँ हैं। मैं अपनी जादुई छतरी से पता करने की कोशिश करता हूँ। इसका मतलब हमेशा की तरह इस बार भी परम ने अपने होने के सारे निशान मिटा दिए। हाँ माँ, यही तो परेशानी है। वो परम सिर्फ शक्तिशाली नहीं बल्कि चालाक भी है। अपने पीछे कोई भी सुराग नहीं छोड़ता हो। लेकिन हमारे लिए ये पता करना जरूरी है कि आखिर वो दोनों है कहाँ। माँ, अब अपनी जादुई तरंग से पता लगाइए कि आगिल और परम कहाँ है। परम की फ्रीक्वेंसी अब ट्रेस नहीं हो पा रही है। और आगे हिम्बाश लोग, मतलब आगे हिम्बाश लोक में, और परम भी वहीं हो सकता है। नहीं, परम हिम्बाश लोक के अलावा और कहीं भी हो सकता है। ऐसा क्यों माँ? क्योंकि आगिल की फ्रीक्वेंसी से निकला हुआ गोला अभी भी उतना ही छोटा है जितना परम से मिलने से पहले था। इसका मतलब यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसमें आगिल और परम के बीच कोई भी गठबंधन नहीं हुआ। लेकिन इतनी जानकारी काफी नहीं है माँ। परम की शक्तियां अभी पूरी नहीं, ऐसे में वो मुझे छोड़कर किसी पर भी वार कर सकता है। इससे पहले कि वो किसी और को नुकसान पहुंचाए, मेरा उस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अरे रे 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 रे, शैतान उठा ले मुझे। आज तक इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई तुम्हारी भांजी। जिस तरह से निकलो यहां से, ये बोल बोल के उस लड़के ने तुम्हें वहां से भगा दिया, ये बेइज्जती नहीं भांजी, महा बेइज्जती है। पर मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम्हारी ये खतरनाक शक्ल, मतलब खतरनाक गुस्से वाली शक्ल देखकर मेरी रूह कांप जाती है, पर उस परम को तो रत्ती पर भी डर नहीं लगा तुझसे भांजी। कोई बात नहीं भांजी, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। मेरी तो अब तक जिंदगी में 10,11,105 बार बेइज्जती हो चुकी है, पर मेरा क्या है ना, मेरी चमड़ी मोटी है, मुझे तो रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारा तो पहली बार है ना। पापा जी, आप बाजार जाने वाले थे ना? हाँ बहू, लेकिन ये रेडियो जरा ठीक कर लूं फिर चला जाऊंगा। पर ये तो वीर ने ठीक कर दिया था। अरे फिर बिगड़ गया है, पता नहीं क्या हो जाता इसे। लेकिन दादाजी, आप फोन पे भी गाने सुन सकते हैं। हाँ सुन सकता हूँ बेटा, लेकिन गाने सुनने का मजा जो मजा है वो रेडियो में है, फोन में कहाँ। बदमाश कहीं की। पापा जी बाजार जा ही रहे तो 2 किलो टमाटर ले आइएगा। ठीक है। मिल गया मुझे मेरा कमजोर शिकार,
अब इस बुड्ढे का दिमाग मैं कंट्रोल करूंगा, फिर ये वही करेगा जो मैं चाहता हूं। ये कैसे हो रहा है? ये मेरा परम तत्व उसकी चेतना में जा क्यों नहीं पा रहा? दादाजी नहीं, हरी ये टोपी वीर भैया ने। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि ये टोपी हमें बालवीर ने दी है, हम सबकी सुरक्षा के लिए दी है, इसे पहन के रखना है, उतारना नहीं है। अच्छा जा, अब जाके अपना होमवर्क कर। गाने सुनने का मजा तो रेडियो में ही है भाई, कुछ भी हो। अच्छा तो बालवीर ने इन सबको ये कवच दिया है। स्मार्ट तो तुम हो लेकिन मुझसे कम। मैं इस बुड्ढे का दिमाग तो नहीं कंट्रोल कर सकता, लेकिन इनके आसपास की चीजें तो कंट्रोल कर सकता हूं ना। ये पंखा अपने आप कैसे चल गया? ये तो मेरी तरफ घूम गया। इसकी तो स्पीड भी अपने आप बढ़ती जा रही। अश्वी, वो कौन था? कौन वो? अरे वही लड़का जिसके साथ तुम अभी बात कर रही थी और तुम्हारा ब्रेसलेट उसकी घड़ी में फंस गया था, कौन था वो? वीर को विवाल के बारे में बताया तो बेकार परेशान होगा। हाँ वो मेरा दोस्त है। अच्छा, क्या नाम है उसका? वीर के सवाल ऐसे खत्म नहीं होंगे, मुझे टॉपिक चेंज करना होगा। वीर तुम इतने सवाल पूछ रहे हो, क्या बात है वीर? जेलस हो रहे हो? अरे मैं क्यों जेलस होऊंगा, मुझे तो बस तुम्हारी चिंता है। तुम तो जानती हो कितना खतरा है हमारे आसपास, और उस दोस्त को मैंने पहले कभी नहीं देखा। हाँ क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को एक साल से ही तो जानते हैं, तुम्हारे अलावा मेरे और भी फ्रेंड्स हैं। अब हाँ हाँ, अच्छी बात है, बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हारा वो दोस्त खतरनाक ना हो। क्या वीर, समझ में नहीं आ रहा है कि तुम चिंता कर रहे हो या तुम जेलस हो रहे हो? अरे मैंने कहा ना, मैं जेलस वेलस नहीं हूँ, बस तुम्हारी चिंता है। बाकी तुम्हें जिससे बात करनी है कर, पर ध्यान रखो। वीर मेरे पास तो मैजिकल पावर्स भी हैं, अब तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। और हाँ, तुम जेलस मत हो, तुम पे जेलसी सूट नहीं करती। मुझे लगता है कि तुम चाहती हो कि मैं जेलस हो। अरे मैं क्यों चाहूंगी कि तुम जेलस हो, मैं तो बस तुम्हें चढ़ा रही हूँ। ठीक है, अब चलो घर चलते हैं। मुझे एक्चुअली थोड़ा सा काम है, तो तुम जाओ ना, मैं आती हूँ बाद में। लेकिन काश, मजाक तो ठीक है पर सीरियसली अपना ख्याल रखना, बी अलर्ट। सॉरी वीर, मैंने तुमसे झूठ बोला, पर तुम ऑलरेडी इतने परेशान हो, ऐसे में मैं मेरे प्रॉब्लम तुम पर नहीं थोपना चाहती।